नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे आज बाजार का हाल, साथ ही कल कमाई के कहाँ बन रहे हैं मौके, और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी तो हमारे साथ होंगे ही। साथ ही एक और खास मेहमान कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान से भी करेंगे चर्चा, पूरी रिसर्च टीम से भी अलग अलग सेक्टर्स का हाल जानेंगे। लेकिन उससे पहले आज के बाजार का कारोबार समझ लेते हैं। तो लगातार तीसरे दिन बाजार में रही तेजी, निफ्टी आज 173 अंक चढ़कर 17,500 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स 740 अंक बढ़कर 58,684 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 450 अंकों से ज्यादा की तेजी आज देखी गई। वहीं FIIs और DIIs की तरफ से आज क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में की है आज करीब 1,357 करोड़ रुपए की खरीदारी, तो वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,216 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार में इतनी शानदार तेजी क्यों आई। आज फिर से भारतीय बाजारों में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला, और ढेर सारी खबरें ऐसी थी जो बाजार के लिए बेहद अच्छी। सबसे पहले तो रूस और यूक्रेन से जो खबरें आती दिखी वो तनाव घटाने वाली थी और बातचीत को आगे बढ़ाने वाली, ये दुनिया भर के बाजारों में जोश बढ़ाती हुई नजर आई। कच्चा तेल एक बार की $105 तक नीचे भी आया, बाद में $110 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा, लेकिन नीचे का मूव जो कच्चे तेल में आया वो भी बाजारों के लिए पॉजिटिव समझा गया। अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी हुई दिन की ऊंचाइयों पर, अमेरिका के सारे बाजार और ब्रॉडर मार्केट में खासतौर से बड़ी तेजी वहां पर होती दिखी, वो भी हमारे बाजारों के लिए अच्छी बात थी। छोटा ही सही लेकिन 35 करोड़ का हल्की फुल्की खरीदारी का कैश मार्केट का आंकड़ा FIIs की तरफ से दिखा, और वायदा कारोबार में भी उनकी बिकवाली का दबाव कम होता दिखा, और घरेलू फंड दम लगाकर 1700 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी कल के सेशन में करते हुए नजर आए। और कल और परसों दोनों ही दिन हमारे बाजार दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए, यानी कि कॉन्फिडेंस का पूरा पूरा संकेत। इन सब के चलते बाजारों में एक दमदार शुरुआत होना तय था, लग ऐसा रहा था कि 17,500 के बहुत ऊपर खुल के ट्रेड करेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ, खुले थोड़े 17,500 से नीचे। उसके बाद पहली डिप आई और उस पहली डिप को ही फिर से खरीद कर बाजारों ने पूरी तरह से मजबूती के संकेत दिए, चाहे फिर वो निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी, और लगातार धीमे 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 खरीदारी होती गई और दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी पर 17,500 के नजदीक, जो कि इस पूरे रनअप का अब तक का सबसे बेहतरीन क्लोजिंग लेवल है, और बैंक निफ्टी में 36,350 के बेहद करीब सेकंड बेस्ट क्लोजिंग मिलती हुई नजर आई। ब्रॉडर मार्केट में भी एक्शन ठीक था, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या बेहतर। कल मंथली एक्सपायरी का दिन है और उस लिहाज से उससे पहले बाजार में काफ़ी शॉर्ट्स हैं और लोअर लेवल पर शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा है, फ्रेश खरीदारी का भी, और ग्लोबल मार्केट्स भी सपोर्ट करते हुए दिख रहे। तो इन सब के बीच में इस हफ्ते का ये लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन जहाँ बाजारों में दिखी जबरदस्त मजबूती। और बाजार की तेजी की इस हैट्रिक में किन सेक्टर्स का सबसे ज्यादा योगदान रहा, कहां पर अभी भी नरमी देखने को मिल रही है, कुशल से समझते हैं। बताइए कुशल, आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा? जी, तो कारोबारी हफ्ते के मिडवीक सेशन और मंथली एक्सपायरी के एक दिन पहले बाजारों में आज शानदार तेजी के साथ क्लोजिंग हुई, जहां पर निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की सूची में बजाज फिनसर्व, HDFC लाइफ जैसे स्टॉक्स अच्छी तेजी दिखाने में सफल रहे। वहीं गिरावट का रुझान अगर आप देखें तो ONGC हिंडालको जैसे स्टॉक्स पर दबाव देखने को मिला सबसे ज्यादा। टॉप गेनर्स में रेमंड्स 13% तक का दमदार उछाल रहा, साथ ही टाटा कॉफी यहां पर भी 9 से 10% तक की तेजी बनती हुई नजर आई। गिरावट का रुझान सुप्रीम पेट्रोकेम सबसे ज्यादा रहा। अंत में अगर आप BFSI स्पेस की बात करें तो यहाँ पर पूनावाला फिनकॉप दूसरे दिन लगातार यहाँ पर तेजी बनी, बजाज फाइनेंस में भी 3% तक की तेजी रही। रियल्टी स्पेस से रेमंड, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, मैक्रोटेक डेवलपर्स जैसे स्टॉक्स में अच्छा रुझान बनता हुआ दिखा। इनफैक्ट सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप बात करें तो ऑटो स्पेस भी पीछे नहीं था। हीरो मोटोकॉप कल की गिरावट के बाद आज बेहतरीन रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली, 2.5 से 3% तक की तेजी थी। M&M मारुति सुजुकी में भी अच्छा रुझान बना, पर मेटल्स काउंटर्स आज आप पूरा का पूरा इंडेक्स भी देखेंगे तो 3% तक की गिरावट यहाँ पर आती हुई दिखी। जी के हिट कॉल्स में बात करें तो ACC कुणाल जी ने, बंधन बैंक सिमी जी की तरफ से आता हुआ नजर आया, और रेमंड हिमांशु जी की तरफ से रहा। तो ओवरऑल मार्केट की ब्रेड जो थी वो काफी स्ट्रांग थी, पर मेटल स्पेस आज के क्लियर कट और कंप्लीट अंडर परफॉर्मर निकल कर आए। तो ये तो बाजार का हाल हमने समझा कुशल से। अब कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं जो दिन भर छाई रही, खासतौर पर टाटा कंज्यूमर से जुड़ी हुई खबर। टाटा कंज्यूमर के बोर्ड ने दरअसल टाटा कॉफी के विलय को मंजूरी दे दी है। अब इसके बाद दोनों कंपनियों के शेयर में हमने देखा जोरदार तेजी देखी, पूरी डिटेल्स अच्छे से समझते हैं वरुण दुबे से। वरुण जरा बताइए।
देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में टाटा कॉफी और टाटा कंज्यूमर्स दोनों ही काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिली और इसका कारण है दोनों ही कंपनियों के बीच में हुआ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। दरअसल टाटा कॉफी जो है उसमें से प्लांटेशन कारोबार को अलग किया जाएगा, डिमर्ज किया जाएगा और इसे टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड बेवरेजेस एंड फूड्स लिमिटेड में डीमर्ज कर दिया जाएगा और टाटा कंज्यूमर्स बेवरेजेस एंड फूड्स लिमिटेड जो है वो टाटा कंज्यूमर्स की 100% होली ओन सब्सिडरी है। तो इसमें पहले प्लांटेशन कारोबार को डीमर्ज करेंगे, इस डीमर्जर के बाद टाटा कॉफ़ी में जो बचा खुचा कारोबार है उसका विलय दरअसल टाटा कंज्यूमर्स में हो जाएगा और इस विलय के बाद, इस पूरे सिस्टम के बाद, इस पूरे प्रक्रिया के बाद अगर आप देखेंगे तो टाटा कॉफ़ी के 10 शेयर के लिए टाटा कंज्यूमर्स के 10-3 शेयर जो है वो शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे। तो ये पूरा स्कीम है जिसके तहत टाटा कॉफ़ी जो है उसका विलय अब टाटा कंज्यूमर्स में होगा। माना ये जा रहा है कि मौजूदा भाव से अगर आप देखेंगे तो ये डील जो है करीब 13.7% के आसपास के प्रीमियम पे हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें आपने देखा कि टाटा कॉफ़ी जो है उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने मिली और टाटा कंज्यूमर्स में भी क्योंकि ये डील हुई है उसके कारण अच्छी खासी तेज़ी जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली। तो एक डीमर्जर और फिर मर्जर की जो खबर है वो आई इनकाउंटर्स में और उसके चलते इनकाउंटर्स में तेज़ी हुई है। चलिए तो टाटा कॉफी से जुड़ी हुई बड़ी खबर पर दी वरुण ने जानकारी। अब बात करते हैं काबिल की, KABIL काबिल इसको कहते हैं। अब इसके मायने क्या है ये समझना जरूरी है, इस पर से पर्दा उठाने के लिए हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी है हमारे साथ। आशीष, क्या है काबिल? देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए जॉइंट करार किया गया जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो एक JV का भी गठन हुआ है जिसका नाम है काबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इसमें आप देखें तो नालको और हिंदुस्तान कॉपर जैसी जो सरकारी दिग्गज कंपनीज हैं उनकी हिस्सेदारी होगी और ये जो है इंटरनेशनल यानी फॉरेन असेट्स जो माइनिंग असेट्स हैं इन्हें एक्वायर करेंगे और इसमें प्राथमिकता दी जाएगी लिथियम माइनिंग को, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से भारत में EVs का चलन बढ़ रहा है, लिथियम आयन बैटरीज का चलन बढ़ रहा है, इसकी मांग में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि भारत में इसके रिजर्व्स बहुत कम हैं, आप देखिए केवल कर्नाटक में है करीब 1600 टन के आसपास के जो रिजर्व्स हैं, इसके चलते देखिए फॉरेन असेट्स को अक्वायर किया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया में देखें तो काफ़ी सिग्निफिकेंट जो है लिथियम के रिजर्व्स हैं, करीब 63 लाख टन के आसपास का जो है लिथियम भंडार ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो उसके समेत और भी कई देश ऐसे हैं जो लिथियम में रिजर्व हैं, वहाँ पर इन असेट्स को अक्वायर किया जाएगा, माइनिंग की जाएगी ताकि यहाँ पर जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो गति है इसको और आपको बढ़िया रफ्तार देखने को मिले। देखिए अभी तो फिलहाल आप देखिए तो नालको की 40% हिस्सेदारी है, हिंदुस्तान कॉपर की 30% है, एक अनलिस्टेड प्लेयर है MECL, इसकी करीब 30% हिस्सेदारी है। लेकिन माना जा रहा है कि जिस प्रकार से इसमें बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है, NMDC और कोल इंडिया जैसे जो दिग्गज भारतीय PSU माइनर्स हैं ये भी इस JV का हिस्सा होंगे, जिसके चलते फिलहाल अभी के लिए तो आप फोकस में रखें नालको और हिंदुस्तान कॉपर को, आगे किस प्रकार का डेवलपमेंट होता है इन स्टॉक्स पर असर देखने को मिलेगा। चलिए ये हमने काबिल पर की बातचीत और इसके मायने समझाए आशीष ने। अब बैंकिंग सेक्टर से बड़ी एक जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। दरअसल इस सेक्टर में आज एक बड़े डील का ऐलान हुआ है। एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक के भारतीय कारोबार को खरीद लिया है। अब ये जो पूरा सौदा है $160 करोड़ में हुआ है और पूरी तरह से कैश डील है। ये पूरी खबर को और अच्छे से समझते हैं और मायने क्या हैं इसके ये भी जानते हैं अनुराग शाह से। अनुराग जरा बताएं, ये जो डील हुई है एक्सिस बैंक और सिटी बैंक के बीच में, कैसे समझे इस पूरी खबर के इम्पैक्ट को? देखिए जिस संभावित ऐलान की बात की जा रही थी एक्सिस बैंक के द्वारा सिटी बैंक के जो भारत का रिटेल कारोबार है, कंज्यूमर कारोबार है, उसको खरीदने का ऐलान कर दिया गया है। इसके लिए एक्सिस बैंक 12,325 करोड़ रुपए कैश भुगतान करेगा और ये काफ़ी बड़ा सौदा होगा एक्सिस बैंक के लिए, स्पेशली क्रेडिट कार्ड कारोबार में। और इस सौदे के बाद जो क्रेडिट कार्ड का जो बेस है उनका वो 31% से बढ़ जाएगा और जो टॉप 3 कंपनियां हैं क्रेडिट कार्ड की उसमें एक्सिस बैंक की एंट्री हो जाएगी। कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा कहा गया है कि 12,325 करोड़ रुपए जो कैश में सिटी को दिए जाएंगे उसके लिए कंपनी की बैलेंस शीट है वो काफी मजबूत है। इसके अलावा जो वेल्थ मैनेजमेंट का भी कारोबार है वो भी काफी एड ऑन करेगा एक्सिस बैंक को और ओवरऑल जो कॉम्पिटिटर्स के साथ गैप भरने में ये डील काफी मददगार साबित होगी। इस डील में करीब 12 से 18 महीने तक का वक्त लग सकता है एक्सिस बैंक के मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है। इसके साथ साथ ही डिपॉजिट्स और एडवांसेस में भी बढ़ोतरी होगी। डिपॉजिट्स करीब इस डील के बाद 7%
परसेंट तक बैंक का बढ़ जाएगा और एडवांसेस है जो 4% तक बढ़ जाएंगे। तो एक्सिस बैंक की काफ़ी बड़ी डील है सिटी बैंक का, जो सिटी बैंक ने 13 देशों के अंदर ऐलान किया था कि वो अपने कंज्यूमर कारोबार से बाहर हो रहे हैं और भारत के अंदर कई सारे बैंकें जो है इस कारोबार को खरीदने की कतार में थी, लेकिन अंतिम में एक्सिस बैंक जो है इस एक्विजिशन को करने में सफल साबित हुआ। ओके, चलिए अब देखते हैं बुल वर्सेस बेयर किस स्टॉक पर आज होने वाला है। वोडाफोन आइडिया में आगे तेजी या मंदी, बुल वर्सेस बेयर के अपने अपने तर्क लेकर हाजिर हैं आशीष और कुशल। आशीष बेयर हैं और कुशल है आज बुल, बताइए। देखिए, यहाँ पर जिस तरह का अभी मूड माहौल है स्टॉक में, डेफिनेटली आशीष जो है आपको बेयर के तर्क देंगे कि किस तरह से इस स्टॉक की पिटाई इतनी होती हुई दिखी है, पर डेफिनेटली भाव के हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है स्टॉक। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 10 रुपये के लेवल्स पर वापस से पहुँचता हुआ दिख रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह जो बन रही है वो जो 4 साल का मॉरेटोरियम इन्होंने एक्सेप्ट किया है जो AGR पर दिया गया था, वो कंपनी के रिवाइवल के लिए काफ़ी बड़ा जो है एक पॉइंट बनता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट आप देखिए इनके कैश फ्लोज में भी आगे चलकर सुधार होगा, क्योंकि जिस तरह से टैरिफ हाइक्स हो रही है कंपनी को उससे बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन कुशल, इंडस्ट्री अब पूरी तरीके से बदल गई है, जहां पर ये 5G के ऑप्शन में जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इसको लेकर बड़ा संदेह है। वहां पर दुनिया ने लो ऑर्बिट सैटेलाइट की पूरी तरीके से तैयारी कर दी है। आप देखिए वोडाफोन आइडिया को छोड़ दें तो भारतीय एयरटेल है, रिलायंस जियो है, ये ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं। एयरटेल की तो सब्सिडरी है, जहां पर अगर आप देखें तो नए नए सैटेलाइट जो है लॉन्च होते रहते हैं। रिलायंस बड़ा काम कर रहा है और देखिए इलॉन मस्क की जो स्टारलिंक है, अगर वो भारत में आ गई तो पता नहीं फिर वोडाफोन आइडिया का क्या होगा। ऐसे में यहां पर देखें तो लगातार इनके सब्सक्राइबर कब बढ़े मुझे तो याद नहीं आता। एक बार इनके गलती से बढ़ गए थे, तब कंपनी ने जो एक्सेप्ट करके ये भी बताया था कि लगातार जो है कंप्यूटिंग में कुछ दिक्कत हो गई थी, कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई थी, इसके लिए सब्सक्राइबर बेस बढ़ाए। नहीं तो लगातार हर महीने हर तिमाही अगर आप देखें तो कंटिन्यूस जो है सब्सक्राइबर बेस है वो घटता जा रहा है। इतने स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में सर्वाइव कैसे करेंगे, बड़ा संदेह है। बिल्कुल, बट अगेन अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रमोटर्स का इनफैक्ट कैपिटल इन्फ्यूजन का जो पॉइंट आता हुआ दिख रहा है, करीब 4,500 करोड़ रुपए का यहाँ पर कैपिटल इन्फ्यूजन की बात की गई है। और साथ ही आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से इंडस टावर में वोडाफोन PLC ने हिस्सेदारी बेची है करीबन 4,400 करोड़ रुपए की, इनफैक्ट 4,000 से 4,400 करोड़ रुपए की डील साइज आती हुई दिख रही है। यहाँ पर ये वोडाफोन आइडिया में इन्फ्यूज किया जाएगा, तो कैपिटल इन्फ्यूजन जो है वो एक बड़ा पॉजिटिव बनता जा रहा है वोडाफोन आइडिया के लिए। देखिए 50,000 करोड़ से ज्यादा का तो बकाया अभी भी बचा हुआ है। इस कंपनी की पूरी स्ट्रेंथ इसमें लग जाती है कि किसको कितना पैसा देना और कैसे देना है, कारोबार में कैसे विस्तार करेंगे, इसके ऊपर कोई भी प्लान नहीं है। दूसरी बात क्या कि फंड रेजिंग करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे वो इस कंपनी को डेट देंगे, ये काफी तिमाहियों से सुनते जा रहे हैं। इसके ऊपर कोई ठोस कदम, कोई भी जो एक प्लान है सामने जो है कंपनी ने प्रस्तुत नहीं किया है, तो समझ में नहीं आता कि कंपनी आगे जाकर क्या करेगी। बिल्कुल, तो ये जरूर देखना होगा कि कंपनी के आगे के किस तरह के प्लान्स हैं। बट जो कंपनी के CEO है रविंदर टक्कर साहब, वहां पर उनका जो है काफी बड़ा भरोसा बनता हुआ जा रहा है। इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पर सरकार की अब सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग हो गई है करीबन 35.8% की, तो इसको देखते हुए आप देखिए काफी सारे इन्वेस्टर जो है वो इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। और प्रमोटर्स की तरफ से भी जिस तरह का कैपिटल इन्फ्यूजन की यहाँ पर खबरें आती हुई दिख रही है वो डेफिनेटली कंपनी के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट शेयर लगातार घटता जा रहा है, विस्तार की योजना नहीं है, 5G में क्या कर पाएंगे, लो ऑर्बिट सैटेलाइट में क्या करेंगे, इसके ऊपर बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। एक ब्रोकरेज हाउस का तर्क भी मैं देख रहा था, वो गोल्डमैन सैक्स बिकवाली किराए देते हैं 2.90 रुपए का सिर्फ लक्ष्य देते हैं, और स्टॉक में देखिए वॉलिटिलिटी इतनी होती है कि पिछले 2 साल में 4 रुपए से लेकर 14 रुपए तक की यात्राएं कर लेता है, तो ऐसे में कहां टारगेट कहां स्टॉप लॉस, ये स्टॉक बड़ा रिस्की है। बिल्कुल आशीष, रिस्की तो है बट यहां पर एक्चुअली आप कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं यहां पर जिस तरह से वोडाफोन आइडिया में वॉलिटिलिटी है वो काफी सारे लोगों के लिए, काफी सारे ट्रेडर्स के लिए पॉजिटिव भी बन सकता है, क्योंकि 2-4 रुपए के फ्लक्चुएशन भी अगर आते हैं, बड़ी क्वांटिटी रहती है तो बड़ा मुनाफा भी देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया कुशल, आशीष, बुल वर्सेस बेयर के अपने अपने तर्क हमारे सामने रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, 1 अप्रैल से महंगाई का तड़का आपके किचन में लगने वाला है। दरअसल ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़ने से सरकार ने 1 अप्रैल से नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। अब आप पर इसका क्या असर पड़ेगा, जरा समझते हैं वरुण से। वरुण, नेचुरल गैस के दाम बढ़ने का आम आदमी पर क्या असर? देखिए 1 अप्रैल से गैस के दाम में बढ़ोतरी का ऐलान जो है वो सरकार ने कर दिया है।
$2.9 से बढ़ के अब ये गैस के दाम जो है नेचुरल गैस के दाम उसको $5.90 के आसपास कर दिया, यानी कि करीब करीब $3 के आसपास की बढ़ोतरी है वो की गई है। और वैसे भी देखिए जिस तरह से नेचुरल गैस के दाम बढ़े थे इंटरनेशनल मार्केट में, माना जा रहा था कि अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी और उसी का ऐलान सरकार ने कर दिया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है, इसका असर जो है वो सीधे आपके जेब पे पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए नेचुरल गैस का इस्तेमाल करती हैं खासकर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, यानी कि नेचुरल गैस के दाम बढ़े हैं तो अब CNG के दाम और PNG के दाम दोनों ही बढ़ने वाले हैं। वैसे भी CNG के दाम पिछले कुछ समय से बढ़ रहे थे और अब और बढ़ोतरियाँ हो सकती है, और PNG के दाम अगर बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है इसका सीधा असर जो है वो आपके किचन पे पड़ने वाला है, क्योंकि इसके चलते गैस के दाम बढ़ जाएंगे और आपके किचन का बजट बिगड़ सकता है। CNG के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन के दाम बढ़ जाएंगे और इसके चलते आना जाना जो है वो काफ़ी महंगा पड़ सकता है। और वैसे भी आजकल ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो CNG पे ही चलती है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय से काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जो है वो गैस का इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी है, और ख़ासकर अगर आप देखेंगे तो सिरेमिक कंपनियाँ हो गई, फर्टिलाइज़र कंपनियाँ हो गई, पावर कंपनियाँ हो गई, ये सब काफ़ी बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस का इस्तेमाल करती है रॉ मटेरियल के तौर पे। और जाहिर सी बात है अगर नेचुरल गैस के दाम बढ़ेंगे तो इनको इसको पास ऑन करना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है उनके दाम आपको बढ़ते हुए नज़र आएँ। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से नेचुरल गैस के दाम बढ़े हैं इसका सीधा असर जो है वो आपके जेब पे पड़ने वाला है। CNG PNG तो महंगी होगी, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी सारे और प्रोडक्ट्स हैं जिनके दाम आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। कल के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रेटजी और बाजार के लिए क्या हो सकते हैं अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 75-80 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। लगातार चार दिन से अमेरिका में तेजी है, देखते हैं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई तो वो अपना असर रखेगी। कल सुबह डाउ फ्यूचर्स भी देखेंगे, लेकिन असली एक्शन ग्लोबल मार्केट से दो जगह से आएगा, एक कच्चे तेल का मुंह और दूसरा रशिया यूक्रेन को लेकर आगे किस तरह के संकेत, खबरें, बातचीत के द्वारा हल होने का जो कुछ भी एक माहौल बन रहा है उस पर क्या डेवलपमेंट होते हैं। हमारे अपने ट्रिगर्स में कल मंथली एक्सपायरी है, उससे पहले जिस तरह की पोजीशंस बनी है वो नज़र में रहेगी। आज के आंकड़े देखेंगे घरेलू फंड्स और FIs की तरफ से, लेकिन एक बात तय है कि बाजार में धीमे धीमे रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है, और अब कल के लिए 17,350-17,400 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और एक बार 17,525 के पार निकल कर टिके तो ऊपरी स्तरों पर 17,625-17,675 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 36,025-36,200 बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 36,800-36,900 जाने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। एक हल्की फुल्की रुकावट 36,425-36,600 के बीच में है, लेकिन उसे पार करके बैंक निफ्टी भी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है। अच्छी बात यह है कि अब बैंक निफ्टी में भी लीडरशिप आ रही है, थोड़ी तेजी वहां पर भी बनने के संकेत आ रहे हैं, और निफ्टी की जो बढ़ने की स्पीड बैंक निफ्टी की वजह से कम हो रही थी अब वो धीमे धीमे ठीक होती दिख रही है। तो एक्सपायरी के दिन भले थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो, लेकिन बाजार पूरी तरह से बाय ऑन डिप्स का है। अगर किसी तरह की कोई ग्लोबल मार्केट से खबर खराब ना आए रशिया यूक्रेन को लेकर या फिर कोई और, तो बाजार अपनी मजबूती के ट्रेंड को, गिरावट में खरीदारी के रुख को, बाय ऑन डिप्स की रणनीति को बरकरार कल भी रखेंगे। आइए अब जानते हैं कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी। किरण जाधव .com के CEO आशीष केलकर हमारे साथ है फोन लाइन पर। आशीष जी बहुत स्वागत है आपका, कल के लिए कहाँ रखी जाए ऑप्शन स्ट्रेटजी? वेरी गुड इवनिंग। देखिए आज हमने बाजार में बहुत अच्छा खासा रैली देखा है, और ऑटो स्टॉक्स में एक बहुत ही पॉजिटिव रुझान देखने को मिला, इसलिए मैंने जो स्टॉक चुना है वो ऑटो सेक्टर से ही है, और स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में लास्ट 15-20 मिनट्स में जो उछाल आया था उसकी वजह से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का 790 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी। आज का क्लोज करीबन 32 के आसपास है, इसी लेवल पे मिलता है तो खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे ₹26 का, और अगले 3 से 4 दिनों में लक्ष्य जो निकल के आ रहा है वो ₹45 का पहला लक्ष्य है और 49 का दूसरा लक्ष्य रहेगा। 3 से 4 दिनों का व्यू रख के M&M का 790 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह है। बहुत शुक्रिया आशीष जी ऑप्शन स्ट्रेटजी बताने के लिए। श्रीकांत चौहान जी हमारे साथ आज के एक्सपर्ट शो में शामिल हो चुके हैं। श्रीकांत जी बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। अब सीधे हम आप स्ट्रेटजी पर ही आएंगे और जानेंगे इंट्राडे के तौर पर किसी को खरीदारी करनी हो, पोजिशन व्यू रखना हो, और साथ ही लॉन्ग टर्म नजरिए के लिए कौन से आपके रहेंगे स्टॉक्स? बिल्कुल, तो देखिए वैसे मार्केट जो है वो एक ब्रॉडर मार्केट में एक सुधार हमने देखा है, और कई सारे सेक्टर्स में एक साथ तेजी बनती जा रही है। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो हमें लगता है कि वहाँ पे जो मोमेंटम बना है वो काफ़ी स्ट्रांग है,
और कल जैसे एक्सपायरी है तो हमें लगता है कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में हमें और एक उछाल देखने मिलेगा। तो करंट लेवल से बैंक ऑफ बड़ौदा को शॉर्ट टर्म बेसिस पे यानी कि इंट्राडे बेसिस पे खरीदा जा सकता है 114-115 के करीब, 120 से लेकर 122 का टारगेट्स रखें और यहाँ पे हम 112 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएंगे। साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर मीडियम टर्म का अगर व्यू हो यानी कि कुछ हफ्तों की या कुछ महीनों की अगर स्ट्रैटेजी अगर हमें रखनी हो तो हमें लगता है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि मैकडॉवेल पे ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे भी एक रिवर्सल फॉर्मेशन बन चुका है, स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर चुका है और यहाँ से अगर इसकी अगर तेजी बनती है तो कम से कम हमें लगता है कि ये 950 के लक्ष्य बिल्कुल अचीव कर सकता है। तो करंट लेवल से यूनाइटेड स्पिरिट्स को लॉन्ग करें, करंट लेवल्स पे खरीदें, थोड़ा और करेक्शन आता है तो खरीद लीजिए, 850 का स्टॉप लॉस रखें। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा 17,700 या 600 के करीब रुकते हुए नजर आएगा, थोड़ा यहाँ पे हमें लगता है कि कंसोलिडेशन मोड आ सकता है और इसी वजह से हमें लगता है कि थोड़ा डिफेंसिव होना जरूरी है। तो फार्मास्यूटिकल्स पे ध्यान दें, सन फार्मा को लॉन्ग किया जा सकता है, यहाँ पे हमें लगता है कि ये जो स्टॉक है वो आने वाले कुछ महीनों में यानी कि 6-8 महीने में शायद एक बार ये 1000 से लेकर 1050 के लेवल्स दिखा सकता है और यहाँ पे हमें जो स्टॉप लॉस रखना है सन फार्मा के लिए वो हम रखेंगे 850 रुपए के करीब। बिल्कुल, तो श्रीकांत चौहान जी की राय इंट्राडे बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की सलाह, पोजिशनल व्यू रखना हो तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी की राय और साथ ही सन फार्मा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत आप ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे श्रीकांत जी हमारे साथ आशो में आप शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।